फ्यूचर स्टूडियो में पंजाबी फिल्म मियां बीबी राजी तो की करेंगे भाजी की शूटिंग की शुरुआत मुहूर्त के साथ धूमधाम से की गई। यह एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें मुख्य किरदार के रूप में मशहूर गायक हंसराज हंस के बेटे युवराज हंस और को एक्ट्रेस शहनाज दिखेंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर अनिल मेहता और निर्देशक हैरी मेहता हैं। दर्शकों के लिए यह फिल्म काफी मनोरंजन वाली है। लोग इस फिल्म को परिवार के साथ देख सकेंगे। पंजाबी संस्कृति, हंसी मजाक, ठहाके के हर एक एंगल से फिल्म को कॉमेडी का रूप दिया गया है। इस फिल्म में दिल को छू लेने वाले सॉन्ग भी है जो दर्शकों को फिल्मी पर्दों पर खूब भाएंगी। मुहूर्त के दिन मुंबई से दावजूद के फिल्म जर्नलिस्ट अमरनाथ प्रसाद ने अभिनेता और अभिनेत्री से फिल्म को लेकर बातचीत की। देखिए, मैं तो पंजाब की पली बड़ी लड़की हूँ, तो पंजाब तो मेरी कहते हैं ना रग रग में बसा है। तो पंजाब का जो कल्चर है बहुत ही प्यारा है, पहरावा बहुत प्यारा है, और वहाँ का खाना पीना आपने सुना होगा, सरसों का साग, मक्की की रोटी, राइट। तो मुझे बहुत मोहब्बत है मेरे पंजाब से, मेरे पंजाब के कल्चर से। और अभी जो आपका कॉस्ट्यूम है किस सीन में है? एक्चुअली ये हमारा एक ड्रीम सॉन्ग है। हाँ, हाँ। तो जिसमें वो अपने आप को ये समझती है, वो एक सीन में बैठी है, मतलब एक लैपटॉप पे बैठी है और एक कोई गाना देख रही है, गाना देख तो क्योंकि उसको लड़के से इतनी मोहब्बत है। और जो उस सीन में कोई और है, लड़का लड़की कोई और है, लेकिन वो अपने आप को इमेजिन करती है कि मैं ये गाना सेम ड्रेस में, सेम कॉस्ट्यूम में इस लड़के के साथ गा रही हूँ। तो बेसिकली ये एक ड्रीम सॉन्ग है जो वो अपने अंदर इमेजिन करती है लड़के को लेके। तो इस वजह से हमें इस तरह का ये पहनावा दिया गया हमारे डायरेक्टर के द्वारा। और जो फिल्म का नाम है पति पत्नी से रिलेटेड है, तो मियां बीबी राजी की करेंगे भाजी, ये बहुत अच्छा एक टाइटल है, बहुत डिफरेंट टाइटल है और बहुत ही प्यारा टाइटल है। और इससे आप समझ जाएंगे कि फिल्म क्या हो सकती है, कि जब दो लोग राजी हैं तो तीसरा बंदा क्यों नहीं राजी। सो यही हमारी फिल्म का कॉन्सेप्ट। एंड आई लव माई टीम एंड माई डायरेक्टर एंड माई प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी स्टोरी दी और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आए। तो मैं बड़ी शिद्दत से करूँगी। जो इसमें फिर डायलॉग्स फिर मीनिंगफुल हैं या जनरल हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। देखिए, पंजाब के प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, कॉमेडी चलती है, पंचेस चलते हैं और रोमांटिक स्टोरीज होती हैं एंड फैमिली ओरिएंटेड होती है फिल्में बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा है सब। तो आई एम एंजॉइंग माई वर्क। थैंक यू। एक बस वो छोटी सी सवाल है कि हर पंजाबी सिंगर एक दिन हीरो बनता है, उसकी खासियत क्या है? मेरी ये खासियत है, मैं पहले हीरो बना था फिर सिंगर बना हूँ। अच्छा, ऐसा? मैंने पहले फिल्म की थी यारन मुल्ले, तो फिर उसके बाद जो मेरा शौक था, जो मेरा पैशन है, वो मैं फिर परस्यू किया आगे। अच्छा, और पंजाबी में खासियत है कि संगीत और उसका फिर पहनावा, वस्त्र बना, वो एक खासियत होता जी, है जी। गाने में भी, फिल्म में जी, भी जी, जी, और अभी सिर्फ मैंने चमकीला में देखा हूँ, उसकी में आपने फिर क्या बात है, पहनावा और संगीत? जी जी जी, वो तो इट्स इन आवर ब्लड जी। पंजाब में कल्चर ही हमारा एक खुशियों वाला है, खुशियों बांटने वाला है। सो जैसे भंगड़ा साडा फोक सॉन्ग्स खुशियां दा प्रतीक है। सो म्यूजिकली बैकग्राउंड से मैं फादर साहब की वजह से भी गाने का शौक है। सो आई हैव बीन लकी, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। एक मेरे फादर श्री हंसराज हंस जी, और ऊपर से मैं पंजाब में मेरा जन्म हुआ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत स्टेट है हमारी पंजाब। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड लकी। जी, ये हैरी सर, हैरी फर्नांडिस जी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हैरी मेहता उन्होंने भी मेहता सर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एकदम फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली कॉमेडी ड्रामा है, इसमें सब कुछ एकदम मसाला है। सो कोशिश कर रहे हैं, आज पहला दिन है, लेट्स होप कि अच्छा हो जाए सारा। और ये गाने का बोल क्या है, मतलब उसका मतलब वन लाइन? जो गाना शूट हो रहा था वो उसका गाना था, तेन वध के मैं, तेन हद नाल वध के मैं चाहवा, तेरा बन के रवा परछावा, मेरा रब जानता है, मेरा सब जानता है। तो मतलब